हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है उन लड़के लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है और चेहरे पर चमक नहीं है, एक डलनेस है। और शादी का जो दिन होता है वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा खास होता है। हर कोई चाहता है कि उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। तो आप नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, और मैं बहुत ही अच्छा एक फेस पैक आज आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे पर चमक भी आएगी और डलनेस भी, दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे अगर दाग धब्बे हैं, और रंग भी आपका कई टोन ज़्यादा फेयर हो जाएगा। इस फेस पैक को यूज़ कीजिए। अगर शादी को बचे हैं 10 दिन 15 दिन, एक हफ्ता 2 हफ्ता बचे हैं, तो इसको यूज़ करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आएगा। शादी के टाइम भी, उससे पहले भी और उसके बाद में भी चेहरा आपका चमकता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिया है ये दो चीज़ें, सिर्फ ये दो चीज़ें हमें लगेंगी, यही दो चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आधा चम्मच हमने ले लिया है दूध की मलाई, ये देखिए, आपको गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई ले लेनी है दूध की। और एक पाउच लेना है आपको कॉफ़ी का, तो इस पाउच को हम मलाई के अंदर ऐड कर देंगे। पूरा पाउच हमें ऐड करना है, और याद रखिएगा चेहरे के साथ साथ आपको अपने हाथों पर, आपको अपनी गर्दन पर भी ये पैक लगाना है अच्छे से, जैसे मैं बताऊँगी वैसे वैसे ही। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्किन पर अच्छे से स्क्रबिंग भी हो जाए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए इतना काफ़ी है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर होता है कैफीन, जो कि स्किन को वाइटन करता है, ब्राइटन करता है, दाग धब्बों को दूर करता है और आपके चेहरे पर एक ग्लो, एक शाइन लेकर आता है। एंड दूध जो होता है डीप क्लीन तो करता ही है हमारी स्किन को, साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड, तो ये बहुत जल्दी आपके रंग को निखारता है। दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं, बेस्ट। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और एक स्मूथ सा आपको इसका पेस्ट बना लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको पहले अपने चेहरे को अच्छे से धोना है, वॉश करना है, जिस भी चीज़ से आप धोते हैं उससे वॉश कर लीजिए, और उसके बाद ये पैक आपको लगाना है। एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा डीपली नरिश करता है आपकी स्किन को और उसको हेल्दी बनाता है, नेचुरली हेल्दी बनाता है। तो आप इस पैक को लगाइए और इससे आपको अपने चेहरे पर कम से कम 2 से 5 मिनट तक मसाज करनी है, क्योंकि मलाई है इसमें तो मॉइस्चराइज, तो ये आपकी स्किन को डीपली करेगा और नरिश बनाएगा, और आपकी स्किन क्या है, बिल्कुल ग्लोई और चमकदार हो जाएगी इससे। तो 2 से 5 मिनट तक मसाज करना ही करना है जिससे कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएँ। नेचुरल ग्लो तभी आता है जब आपकी स्किन के अंदर तक कोई चीज़ जाती है और उसको अंदर से गहराई से उसको क्लीन और साफ़ सुथरा करती है, तभी आपकी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो आता है और एक चमक आती है। तो इसको 2 से 5 मिनट तक आपको मसाज करनी है और उसके बाद इसको आपको 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। दोस्तों ये आपको पैक डेली यूज़ करना है, डेली करेंगे तभी इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा असरदार इफ़ेक्ट इसका एक होगा, बहुत ज़्यादा असरदार इसका एक आपको रिज़ल्ट मिलेगा। डेली यूज़ करना है इसको और कीजिए, स्किन आपकी चमकने वाली है। तो 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद इसको वॉश कर देंगे। तो दोस्तों मैंने वॉश कर दिया है और ये देखिए स्किन बिल्कुल मॉइस्चराइज, आपको नरिश नज़र आ रही होगी। और इसको पैक को यूज़ करने के बाद में आपको कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मलाई ऐड की थी और मलाई नेचुरली डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देगी। साथ ही आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं होगा, तो ऑयली स्किन वाले इसको बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ किस टाइम करना है, आप जब भी आपके पास टाइम हो इसको लगा लीजिए, लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको डबल मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिए जिससे सभी तक ये पहुंच सके और सभी इसका फ़ायदा उठा सके। और गाइज इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छी रेमेडी है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।